पिछली वीडियो में हमने बात की थी टेस्ट केस के बारे में, टेस्ट केस कैसे लिखते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं। आज एक हम इम्पोर्टेंट टर्म है जो रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये होती क्या है, ठीक है, इन्हें का जरूर मिलेगा इसके बारे में। तो ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है या डॉक्यूमेंटेड जिसको हम यूज़ करते हैं टेस्ट केस को की रिक्वायरमेंट को समझने में, टेस्ट केस की रिक्वायरमेंट को ट्रैक करने में। मेन पर्पस इसका है कि आपका कोई भी टेस्ट केस या टेस्ट का जो आपकी एप्लीकेशन जो बिल्ड हो रही है उसका कोई भी ऐसा एरिया ना हो जो जिसके ऊपर टेस्ट केस ना लिखा हो। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट मिस नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो आपको शीट में इमेज में आपको देखने को मिल जाएगा, इसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट रहता है टेस्ट केस से। तो इसमें जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट बनती है, जितने भी मॉड्यूल बनते हैं, उसके बारे में कौन कौन से टेस्ट केस आपके लिखे हैं, कौन कौन से पास हुए हैं, कौन कौन से फेल हुए हैं, कौन कौन से रन नहीं हुए हैं, तो वो सब ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है कि 100% टेस्ट कवरेज इसमें हो जाता है। आपका कोई भी ऐसा एरिया नहीं बचता जिसमें आपका टेस्ट केस ना लिखा हुआ हो। अगर कोई रिक्वायरमेंट मिसिंग है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो इसका एक ये बड़ा फ़ायदा हो। लिखना कैसे है, टेम्पलेट आप कैसे भी बना सकते हो। आपको ये टेम्पलेट जो इमेज पे दिख रही है अभी, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में से मिल जाएगी। आप मॉडिफाई भी कर सकते हो अपनी तरफ से, और कुछ ऐड करना हो, डिलीट करना हो, वो भी आप कर सकते हो। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, और ना ही टेस्ट केस, ना ही टेस्ट केस का, ना ही बग लाइफ साइकिल कोई टेम्पलेट ऐसी स्टैंडर्ड नहीं है। आप किसी भी तरीके से अपने कस्टमाइज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। यहाँ पे सीरियल नंबर आपका आता है, रिक्वायरमेंट आईडी आपकी आती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पे आएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है लॉगिन टू द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे टेस्ट केस आईडी दी है, टेस्ट केस वन में क्या लिखा, लॉगिन विद द इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, टेस्ट डिज़ाइन जो भी होगा उसका नाम यहाँ पे आपको देना है, जो आपका है उसका नाम आपको देना है। यूएटी टेस्ट की रिक्वेस्ट की है, इसमें ज़रूरत नहीं है। टेस्ट एग्जीक्यूशन में आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट पास करना है, पास हुआ है नहीं, यूएटी इन्वायरमेंट पे आपने रन किया है या रन किया है नहीं किया है वो आपको लिखना है। बाकी डिफेक्ट मिला है यहाँ पे मेंशन करना है, डिफेक्ट आईडी देनी है अगर कोई मिला है तो, नहीं मिला है तो आपको इन्हें मेंशन करना है। सेम TC02 आपको सेम वही करना है। और इसमें अभी जैसे अभी दो तीन टाइम तीन रो तक हमने इसमें मेंशन कर दिया, जैसे अगर फोर्थ या फिफ्थ में कोई रिक्वायरमेंट आपकी मिस हो जाती है, सिनारियो आप चेक करके डिज़ाइन करते हो तब टेस्ट केस को, तो इसमें आप लिख के मेंशन कर सकते हो कि ये चीज़ इसमें मिसिंग है, आपको इसको इंक्लूड करना होगा। तो सिंपली लैंग्वेज में कहा जाए तो ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स हर एक रिक्वायरमेंट को कैप्चर कर, हर एक रिक्वायरमेंट के ऊपर टेस्ट केस लिखा गया है या नहीं लिखा गया है वो सब कैप्चर करती है। और ये एक रिकॉर्ड रहता है कि हाँ हमारे सब टेस्ट केस हमारे कवरेज कवर हो चुके हैं, पूरा एकदम बिल्ड हमारी टेस्टिंग के लिए तैयार है। तो इसमें इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।